नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई, सोशल मीडिया पर एक वीडियो इटावा का काफी तेजी से वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि अंडरपास के अंदर जो है बारिश का पानी भर जाता है और बस जो है सवारी लेकर बीच में फंस जाती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। इसमें बताया जा रहा है कि सिविल लाइन क्षेत्र में मैनपुरी अंडरपास के अंदर जो है पानी भर जाने की वजह से तालाब जैसी स्थिति बन गई थी और उसमें आगरा से आ रही ताज डिपो की रोडवेज बस डूब गई। बस के अंदर पानी भर गया। पानी में बस का अधिकांश हिस्सा डूबने से उसमें बैठी हुई सवारियों में अफरा तफरी मच गई। तुरंत जो है बुजुर्ग बच्चे सब डर गए और पुलिस को सूचित किया गया। उसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने पानी में घुसकर सवारियों को जो है समझाया बुझाया, उसके बाद उनका रेस्क्यू किया गया और बाकायदा बुलडोजर से जो है बस को खींचा गया वापस। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस बताती है, देखिए अचानक हुई बारिश में एक रोडवेज की बस ITI चौराहे से बस अड्डे की तरफ जा रही थी तो अंडरपास में बहुत पानी भर गया और बाकी वाहन निकल गए। उन्हीं में थोड़ा बड़ा वाहन होने के नाते ये कुछ रुकावट हो गई और फिर पानी बहुत ज़्यादा आ गया, ये गाड़ी रुक गई थी। हमारी रेस्क्यू टीम ने बहुत शीघ्र इसे निकाला और सभी कुशलपूर्वक है और जो है कोई ऐसा देखा गया है कि रोडवेज की बसें इसमें फंसती हैं, वाहन फंसते हैं, तो क्या इस तरीके से जो चालक ने लापरवाही बरती है उसको लेकर कोई, अब ये ARM साहब को रिपोर्ट दे दी जाएगी इसकी जांच में। तो यहाँ पर इटावा में जिस प्रकार से पूरा नजारा देखने को मिला, इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई कि बताइए विकास किस प्रकार का है। थोड़ी सी बारिश हुई उसके बाद इतना ज्यादा जल भराव हो गया कि अंदर बैठी सवारी जो है वो परेशान हो गए, जिसको जो है बुलडोजर से बस को निकाला गया, सवारियों को जाकर समझाना पड़ गया। तो भैया ये वीडियो काफी तेजी से वायरल है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और वीडियो महोबा का काफी तेजी से वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शादी में जो है बंदूक चलाया जा रहा है खुलेआम, ना किसी का डर ना किसी का खौफ। दरअसल यूपी के महोबा जिले में बीजेपी नेता के बेटे का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है, जिसमें शादी समारोह में वो राइफल और रिवॉल्वर दोनों से जो है धुआंधार फायरिंग कर रहा है और किसी से उसको डर नहीं है। महोबा जिले में करबाई कस्बे के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता शिवपाल तिवारी के पुत्र ऋतिक तिवारी का ये वीडियो जो है ये दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है कि उन्हीं के चचेरे भाई की शादी भी थी। ये वीडियो 27 मई की रात का है और ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। अब जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तुरंत जो है महोबा पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए इस पर ट्वीट किया। ट्वीट कर लिखा कि प्रकरण के संबंध में संबंधित को वायरल हो रहे वीडियो की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। इसके बाद एक और ट्वीट किया गया और जानकारी दी गई कि प्रकरण के संबंध में थाना खरेला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर जैसे ही बीजेपी नेता के बेटे का वीडियो ये वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया। हालांकि सोशल मीडिया पर इसी काफी ज्यादा जो है चर्चा की जा रही है, इस पर सवाल किए जा रहे हैं कि बताइए बीजेपी के नेताओं के बेटे जो है किस प्रकार से हर्षा फायरिंग कर रहे हैं और किसी भी चीज का उन्हें डर नहीं है ना खौफ है। तो भैया सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी काफी तेजी से वायरल था और इसी के साथ खत्म होता है आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुनिए कि अब यूपी से जुड़ी तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं यूपी तक की वेबसाइट पे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।